हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे टिक्स मूवी की। यह एक थ्रिलर क्रिएचर फिल्म है। अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं टिक्स मूवी जैसी ही दूसरी क्रिएचर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से वो सभी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब टिक्स मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक पुराने कारखाने को देखते हैं, जहां पर केमिकल लीकेज हो रहा था और वो केमिकल नीचे पड़े कोकन पर गिर रहा था। दरअसल कारखाने में गांजे के पौधे लगाए गए थे और केमिकल का इस्तेमाल गांजे के पौधे को और बड़ा बनाने के लिए किया जा रहा था। अब नेक्स्ट में हम ब्रिज के पास एक कार देखते हैं, जिसमें टाइलर नाम का लड़का अपने डैड से बात कर रहा था। टाइलर के डैड उसे ब्रिज के पास छोड़कर कार लेकर वहां से चले जाते। दरअसल टाइलर एक ट्रिप के लिए जंगल में जा रहा था, जिससे वो अपने अकेलेपन के डर पर काबू पा सके। अब यहां पर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया गया है। बचपन में टाइलर अपने मॉम डैड के साथ जंगल में घूमने निकला था, लेकिन जंगल में टाइलर अपने मॉम डैड से बिछड़ जाता है और उस वक्त जो डर और अकेलेपन उसने महसूस किया था वो अब भी उसके दिल में था, जिसकी वजह से आज भी टाइलर अकेलेपन से डरता था। अब वहां पर डेरेल नाम का एक लड़का आता है। डेरेल शरारती था और वो टाइलर को परेशान करने लगता है। डेरेल टाइलर को जबरदस्ती करके बास्केटबॉल खेलने के लिए कहता है, पर टाइलर मना कर देता है। लेकिन डेरेल टाइलर को अपने पालतू कुत्ते का खौफ दिखाकर बास्केटबॉल खेलने के लिए मजबूर कर देता है। डेरेल टाइलर को बार बार बॉल को बास्केट में डालने के लिए कहता है। अब डेरेल के ऐसे बिहेव से टाइलर बहुत ही परेशान होने लगता है। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है, जिसमें टाइलर के कुछ फ्रेंड्स थे। कुछ और लोग भी आए थे जो कि अपने अकेलेपन के डर पर काबू पाना चाहते थे। यहाँ पर हम हॉली और चार्ल्स नाम के कपल को देखते हैं। उनकी बेटी एलिसा भी साथ में थी। दरअसल उन्होंने ही ट्रिप का आयोजन किया था। दूसरी तरफ हम फैक्ट्री में उसी कोकन को देखते हैं। लगातार केमिकल गिरने की वजह से वो कोकन अब हिलने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग गाड़ी में बैठकर जंगल की ओर जा रहे थे। तभी अचानक से गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, तो सब लोग गाड़ी से बाहर निकलकर आसपास घूमने लगते हैं। चार्ल्स भी गाड़ी के टायर को चेंज करने में लग जाता है। तब तक बाकी लोग पास के एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए रुकते हैं। अब उसी रेस्टोरेंट में काम करने वाला जेरी नाम का बंदा अलीसा को परेशान करने लगता है। तभी वहां पर रेस्टोरेंट का मालिक सर आकर जेरी को रोक लेता है और जेरी को डांटने लगता है। थोड़ी देर बाद सब लोग गाड़ी में बैठकर ट्रिप की लोकेशन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी कारखाने में काम कर रहे जर्विस नाम के बंदे को देखते हैं। जर्विस यहां पर एक ट्रैप को सेट कर रहा था। तभी वहां से कीड़ा निकलकर जर्विस के चूहे पर अटैक करता है। असल में यह कीड़ा उसी कोकन से निकला था, जिस पर वह केमिकल रिएक्शन हुआ था। जर्विस चूहे की आवाज सुनकर उसके पास आता है, पर चूहे को किसी ने बेरहमी से मार डाला था। चूहे की पूरी बॉडी नोच डाली गई थी। जर्विस को वहां पर एक कीड़ा दिखाई देता है, शायद उसी कीड़े ने चूहे को मार डाला था। चूहे को देखकर जर्विस डर जाता है और वो पीछे हटने लगता है, पर तभी वो अपने ही बिछाए ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसका पैर काफी जख्मी हो जाता है और वो बेचारा दर्द से तड़पने लगता है। जर्विस कारखाने की छत की ओर देखता है तो उसे वहां पर ढेर सारे कोकन चिपके हुए दिखाई देते। वो कोकन भी एक एक करके जर्विस के ऊपर गिरने लगते। दूसरी तरफ सब लोग जंगल में अपनी लोकेशन पर पहुंच गए थे। वहां एक जगह पर टाइलर को दीवार पर चिपका हुआ एक कोकन दिखाई देता है। टाइलर एक तार से वह कोकन फोड़ देता है, जिसके बाद उस कोकन से लिक्विड निकलने लगता है। डेरेल भी वहां पर आता है और उस लिक्विड पर अपना पैर रखकर उसे कुचल देता है। फिर वो लोग टाइलर को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। यहां पर दिखाया गया है कि डेरेल ने जिस लिक्विड पर पैर रख के उसे कुचल दिया था, दरअसल वो एक कीड़ा था जो कि अब मर चुका था। उस घर में ऐसे और भी कोकन थे जो दीवार से चिपके हुए थे। अब टाइलर अलीसा के साथ जंगल में घूमने चला जाता है, जहां पर उन्हें वैसा ही कोकन मिलता है। यह सब देखकर अलीसा टाइलर से कहती है कि उसे ऐसी ट्रिप पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही उसे नेचर से प्यार है। यह टाइलर को भी बचपन की तरह डर और अकेलेपन की फीलिंग आने लगती है, तो वो अलीसा से वापस कैंप पर जाने के लिए कहता है। अब वो दोनों कैंप की ओर जा रहे थे, तभी टाइलर को अलीसा के पीछे एक कोकन चिपका हुआ दिखाई देता है। टाइलर एक लकड़ी से वह कोकन हटाने की कोशिश करता है, पर वो कोकन का कीड़ा अलीसा को जकड़ लेता है, जिससे उसे दर्द होने लगता है। आखिर में बड़ी जहमत के बाद टाइलर वो कोकन हटा देता है।
कोकन के कीड़े ने अलीसा की बॉडी पर घाव कर दिए थे। वही वो कोकन लकड़ी के साथ वहां से चला जाता है। यह देखकर टायलर और अलीसा डर जाते हैं और दोनों वहां से भागते हुए वापस कैंप पर आ जाते हैं। वहां आकर टायलर सबको बताता है कि जंगल में काफी खतरनाक कीड़े हैं और एक कीड़े ने अलीसा पर अटैक भी किया था, लेकिन उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। टायलर सबको यह कैंप छोड़कर वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन चार्ल्स उसे साफ मना कर देता है। इसी बीच सर अपने चमचे जेरी के साथ वहां पर आता है। सर चार्ल्स से बात करने लगता है और कहता है कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। इतना कहकर वो जेरी के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम फैक्ट्री में जर्विस को देखते हैं। जर्विस की बॉडी में वो कीड़े चले गए थे। वो अपनी बॉडी में वो कीड़े महसूस कर रहा था, जिससे वो काफी डर जाता है। कीड़ा जर्विस के पैर में था तो वह ना चाहते हुए भी वहां पर गोली चलाता है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ रात भी हो चुकी थी और वहां कैंप पर डेरिल फायर कैंप लगाना चाहता था, तो वह पेट्रोल से वहां पर आग लगाता है। तो चार्ल्स वहां आकर आग बुझा देता है और डेरिल पर गुस्सा करता है, क्योंकि डेरिल के इस पागलपन की वजह से पूरे जंगल में आग फैल सकती थी। आखिर में चार्ल्स सबको वार्न करके वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम अलीसा को देखते हैं, जो कि अपने डैड चार्ल्स से नाराज थी। दरअसल हॉली अलीसा की स्टेप मॉम थी और वो हॉली से नफरत करती थी। तो चार्ल्स अलीसा को समझाता है कि अगर वो चाहे तो हॉली और वह दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। दूसरी तरफ डेरिल का पालतू डॉग जंगल में घूम रहा था, तभी वो कीड़ा अचानक से उस पर हमला करता है और उसकी बॉडी में चला जाता है, जिससे वो डॉग दर्द के मारे तड़पने लगता है। डेरिल अपने डॉग के भौंकने की आवाज सुनकर उसके पास आता है, पर तब तक वो मर चुका था। अपने डॉग का यह हाल देखकर डेरिल बहुत ही अपसेट हो जाता है और वो रोने लगता है। अब डेरिल एक मिनट भी कैंप में रुकना नहीं चाहता था, तो वो वहां से जाने की तैयारी करता है। टायलर डेरिल को रोकने की कोशिश करता है, पर डेरिल अकेला ही पैदल वहां से चला जाता है। अगले दिन चार्ल्स कैंप पर शेरिफ को बुलाता है और डॉग की डेड बॉडी उन्हें दिखाता है। डॉग की हालत देखकर शेरिफ चार्ल्स से कहता है कि जरूर किसी सांप ने इस डॉग को काट लिया होगा। टायलर भी चार्ल्स और हॉली को बताता है कि कल रात डेरिल भी यहाँ से अकेले चला गया है। यह सुनकर चार्ल्स परेशान हो जाता है। चार्ल्स टायलर के साथ गाड़ी लेकर डेरिल को ढूंढने निकलता है। वही वह डेरिल के डॉग की डेड बॉडी भी अपने साथ ले लेता है, जिससे वो पास में शहर में किसी को दिखाकर डॉग की मौत का मेन रीजन जान सके। दूसरी तरफ हम डेरिल को देखते हैं, जो इस वक्त जंगल के रास्ते को पार कर रहा था। अब चार्ल्स और टायलर डॉग की डेड बॉडी शहर में एक डॉक्टर को दिखाते हैं। जैसे ही डॉक्टर डॉग की डेड बॉडी में इंजेक्शन लगाती है, उसकी सुई डॉग में मौजूद कीड़े में घुस जाती है। आखिर डॉक्टर उस कीड़े को डॉग की बॉडी से बाहर निकालने में कामयाब होती है। वो कीड़ा देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो कीड़ा डॉक्टर के हाथ से छूटकर कमरे में कहीं छिप जाता है। वो कीड़ा बाहर ना जा सके, इसीलिए टायलर और चार्ल्स कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। पर वो कीड़ा अचानक बाहर आ जाता है और टायलर पर अटैक करता है, लेकिन चार्ल्स किसी तरह कीड़े को वहां से हटा देता है और आखिर में डॉक्टर अपने पाँव के नीचे उस कीड़े को कुचल देती है। अब डॉक्टर उस कीड़े की बॉडी को चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि असल में यह कीड़ा टिक्स था और किसी केमिकल रिएक्शन से यह कीड़ा बढ़ गया था। दूसरी तरफ डेरिल जंगल में रास्ता भटक गया था और टिक उसकी बॉडी में भी घुस गया था। डेरिल उस कीड़े को बॉडी से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। आखिर में डेरिल एक चाकू से टिक वाली जगह को काट देता है, जिससे वो टिक डेरिल की बॉडी से अलग हो जाता है। यह डेरिल को भी काफी दर्द हो रहा था और उसका काफी खून भी बह चुका था, तो वो वहां पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ अलीसा और एक केली नाम की लड़की कैंप से थोड़ा दूर तालाब पर मछलियां पकड़ने के लिए आई हुई थी। दोनों तालाब के पास मछलियां पकड़ रही थी, तभी उनके सामने तालाब में अचानक से शेरिफ की डेड बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर दोनों बहुत डर जाती है और वापस कैंप की ओर भागने लगती है। वही कैंप की एक दूसरी लड़की स्वीटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। स्वीटी रोम से छिपते हुए उस पुराने कारखाने में आ जाती है, जहां उसे दीवार पर ढेर सारे कोकन चिपके हुए दिखाई देते। वही स्वीटी के सामने अचानक से जर्विस भी आ जाता है, जो बहुत ही बुरे हाल में था। जर्विस को इस हाल में देखकर स्वीटी डल जाती है। यह जर्विस अपनी गन स्वीटी को देता है और उस पर गोली चलाने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारे टिक्स थे और वो यह दर्द अब और नहीं सह सकता था। आखिर स्वीटी जर्विस के सिर पर गोली चलाती है और यह जर्विस की बॉडी से एक टिक बाहर निकलकर सीधा स्वीटी की गर्दन पर अटैक करता है। स्वीटी इसी हाल में भागते हुए कारखाने से बाहर चली जाती है।
दूसरी तरफ डेरिल होश में आ चुका था, वो काफी जख्मी था। वहां पर सर और जेरी भी डेरिल के पास आते, पर वो दोनों डेरिल की मदद करने की जगह उसे फैक्ट्री में लगाए गए गांजे के बारे में पूछने लगते, जिससे हम समझ पाते हैं कि उस फैक्ट्री का मालिक कोई और नहीं पर सर ही था। अब डेरिल फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता था तो वो उन्हें मना कर देता है, पर वो दोनों डेरिल को और भी परेशान करने लगते। तब डेरिल चाकू से जेरी पर वार करता है और वहां से भागने में कामयाब होता है, लेकिन जेरी और सर उसका पीछा करते और यहां जेरी डेरिल पर अटैक करता है। सर भी अपनी गन से डेरिल पर गोली चलाता है, लेकिन गोली डेरिल की जगह वहां पर एक फ्यूल कैन पर लगती है, जिससे वहां पर बड़ा ब्लास्ट होता है और जंगल में तेजी से आग फैलने लगती है। सर फिर से गोली डेरिल पर चलाता है और इस बार गोली डेरिल को लगती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिरता है और वहां पर आग फैलने की वजह से सर और जेरी भी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रोम भी अपनी गर्लफ्रेंड स्वीटी को कैंप की ओर ले जा रहा था। रास्ते में उन्हें चार्ल्स मिलता है तो वो सब कैंप की ओर रवाना होने लगते हैं। आखिर वो लोग कैंप पर पहुंच जाते हैं। वहां पर सब लोग स्वीटी की यह हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। वहीं जंगल में भी हर जगह आग फैल चुकी थी और आग की वजह से सभी टिक्स भी कैंप की ओर आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में सारे टिक्स चारों ओर से कैंप को घेर लेते। चार्ल्स ने कैंप पर सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थी। उसी वक्त बाहर जेरी और सर आते, उन पर भी टिक्स ने अटैक किया था। वो चार्ल्स को दरवाजा खोलने के लिए कहते। आखिर में चार्ल्स दरवाजा खोलकर सर और जेरी को अंदर आने देता है। सर और जेरी भी उनकी बॉडी से चिपके हुए टिक्स को निकालकर उन्हें कुचलने लगते। सब लोग गाड़ी लेकर वहां से निकलने का प्लान बनाते। उसी वक्त डेरिल भी दरवाजे के पास आता है और हेल्प मांगने लगता है, लेकिन सर चार्ल्स को दरवाजा खोलने से रोक लेता है। आखिर में टाइलर दरवाजा खोलता है और डेरिल को अंदर लाया जाता है। डेरिल की हालत बहुत ही खराब थी, उसके पैर पर एक बड़ा टिक्स चिपका हुआ था। टाइलर लाइटर से उस टिक में आग लगाता है और आग की वजह से वह टिक मारा जाता है। डेरिल भी सबको बताता है कि उसकी इस हालत के लिए सर और जेरी जिम्मेदार है। वह डेरिल काफी जख्मी था और दर्द की वजह से डेरिल की वहीं पर मौत हो जाती है। अब डेरिल की मौत से सब लोग गुस्से में थे, पर खुद को बचाने के लिए सर और जेरी कहते हैं कि डेरिल का यह हाल टिक्स ने किया होगा। टाइलर भी सबको कहता है कि डेरिल को गोली लगी थी, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि सर और जेरी ने ही डेरिल पर गोली चलाकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी तो सर चार्ल्स से गाड़ी की चाबी मांगता है और चार्ल्स चाबी देने से मना करता है तो सर गन दिखाकर सबको मारने की धमकी देने लगता है। चार्ल्स जैसे ही सर का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है तो सर चार्ल्स के पैर पर गोली चलाकर उसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी हॉली गाड़ी की चाबी सर को दे देती है। अब सर जेरी को गाड़ी कैंप के पास लाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम जेरी को देखते हैं जो मसाल लेकर बाहर निकलता है। वो आग से टिक्स को मारते हुए आखिर में गाड़ी तक पहुंच जाता है, लेकिन गाड़ी में एक टिक जेरी पर अटैक करता है और उसे काट लेता है। अब टिक के काटने से जेरी पर असर हो रहा था, वो होश खो देता है और गाड़ी फुल स्पीड में चलाने लगता है। बाहर सर भी गन लेकर खड़ा था, वो जेरी को गाड़ी स्लो करने के लिए कहता है, लेकिन जेरी गाड़ी सीधा घर में घुसा देता है और यहाँ घर टूटने की वजह से सभी टिक्स घर में घुसने लगते। वही सर के पास अब भी गन थी और वो किसी और पर गोली चलाकर उसे घायल कर दे, उससे पहले रोम एक चाकू से सर पर वार करके उसे जख्मी कर देता है। अब डेरिल की डेड बॉडी दिखाई गई है जो अचानक से हिलने लगती है। यहाँ पर डेरिल की बॉडी से टिक्स के टेक्टिकल्स बाहर निकलने लगते हैं। डेरिल की बॉडी भी फटने लगती है और बॉडी के दो हिस्से होने लगते हैं। आखिर में डेरिल की बॉडी चीरकर एक बड़ा टिक बाहर आता है, जो बाहर आते ही सर पर अटैक करता है और उसे खाने लगता है। अब वो बड़ा टिक जब तक सर का शिकार करने में लगा था, तब तक बाकी लोग वहां से निकलने की तैयारी करते। टाइलर भी गाड़ी तक पहुंचने के लिए खिड़की से सीधा बाहर जंप लगाता है, लेकिन यहां पर ढेर सारे टिक्स टाइलर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते। तभी टाइलर वहां पर एक जादू में लाइटर से आग लगाकर उन टिक्स को अपने से दूर करने की कोशिश करता है। आखिर में उन टिक्स से बचकर टाइलर गाड़ी के पास आता है। टाइलर जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो वहां पर जेरी की डेड बॉडी दिखाई गई है, जिस पर अब भी कुछ टिक्स मौजूद थे। टाइलर आग से उन टिक्स को दूर करके गाड़ी लेकर घर के पास आता है। सब लोग खिड़की के रास्ते नीचे गाड़ी तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ वो बड़ा टिक्स सर को मारकर बाकी लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। यहाँ बाकी सब गाड़ी तक पहुंच जाते, पर रोम अब भी ऊपर रह गया था। वो टिक रोम पर अटैक करता है और यहाँ टाइलर रोम की मदद करने के लिए ऊपर आता है। टाइलर आग से उस बड़े टिक को डराने की कोशिश करता है।
टाइलर वो जलती हुई जादू बड़े टिक के मुंह में फंसा देता है और रॉन को अपने साथ लेकर नीचे आ जाता है। आखिर में सब लोग गाड़ी लेकर वहां से निकलने में कामयाब होते हैं और वो बड़ा टिक भी आग की झपट में आ जाता है। वेल, यहां पर आग की वजह से बड़ा धमाका होता है और उस बड़े टिक के चिथड़े उड़ जाते हैं। वही आग फैलती हुई सीधा घर में पड़े एक फ्यूल टैंक तक पहुंचती है और यहाँ पर बड़ा ब्लास्ट होता है। अब वहां पर और भी ज्यादा आग फैल चुकी थी जिसमें जलकर सारे टिक्स एक एक करके मारे जाते हैं। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि चार्ल्स की कार एक स्क्रैप में पड़ी हुई थी। अब उसी गाड़ी में से टिक्स का एक कोकन नीचे गिरता है, यानी कि यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। अब टिक कोकन से बाहर निकल कर शायद शहर में शिकार करेगा और इसी के साथ टिक्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ईयर 1993 में रिलीज हुई टिक्स मूवी को IMDB पर 5.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 71% एंड ऑडियंस स्कोर 30% मिला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।